दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपने ही घरेलू मैदान पर दहाड़ा है यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर का बल्ला। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई और राजस्थान के बीच हुए घमासान महासंग्राम में राजस्थान के बल्लेबाज जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस कदर कोहराम मचाया जिसके सामने चेन्नई की गेंदबाज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे राजस्थान की टीम ने पावर प्ले का फायदा उठाकर चेन्नई को निस्तार नाबूद किया और कैसे चेन्नई के गेंदबाजों ने पलटवार कर मुकाबले में रोमांच बनाया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जॉस बटलर, संजू सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन खतरनाक खिलाड़ी है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 37वां मुकाबला आईपीएल इतिहास की दो मजबूत टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच राजस्थान के घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान राजस्थान की टीम में एक बदलाव ट्रेंट बोल्ट की जगह पर एडम जाम्पा को खिलाकर किया गया, तो दूसरी जगह चेन्नई की टीम बिना बदलाव के मैदान पर उतरी और इस दौरान राजस्थान की तरफ से पारी की शुरुआत विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने की। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत आकाश सिंह ने की। यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता शाही अंदाज में खोला, तो वहीं दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने दूसरी ही गेंद पर एक और चौका लगाया और दो गेंदों पर दो चौके लगाकर दिखा दिया किसी अंदाज से आज बल्लेबाजी होने वाली है, जिसके बाद एमएस धोनी काफी ज्यादा नाराज दिखे और एमएस धोनी ने गेंदबाज से बेहतर गेंदबाजी करने का आग्रह तक किया और इसी बीच ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका लगा दिए। दूसरी तरफ ओवर की अंतिम गेंद पर बटलर ने एक रन के साथ अपना खाता पहली गेंद पर खोला और पहले ओवर में 14 रन के साथ शानदार शुरुआत कर डाली, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए तुषार देशपांडे आते हैं, जहां पर बटलर ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर दिलजान का स्वागत किया और इतना ही नहीं, उन्हें आगे एक और चौका लगाकर ओवर में 10 रन बटोर लिए और इसी बीच तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आकाश सिंह दोबारा से आते हैं और एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज को नेस्ता नाबूद किया और छक्के और चौकों की बारिश कर दी, जहां पर उन्होंने एक लंबा छक्का लगाया और तीन चौके लगाते हुए ओवर में 18 रन बटोरे, जिसके बाद लगने लगा कि इस मुकाबले में चेन्नई की टीम काफी ज्यादा पीछे रह जाएगी। दूसरी तरफ चौथे ओवर में गेंदबाजी करने और विकेट निकालने के लिए महेश दीक्षिता को बुलाया गया, जहां पर उन्होंने बल्लेबाज को परेशान किया और धोनी ने अपील की, लेकिन इस बार धोनी रिव्यू सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं आया और चेन्नई की टीम को अपना एक DRS भी गंवाना पड़ा और इस ओवर में लगभग विकेट निकाल कर 3 रन देते हुए बल्लेबाजों को परेशान किया, जिसके बाद अगले ओवर में एक बार फिर से तुषार देशपांडे गेंदबाजी के लिए आते हैं और उन्होंने बेहतर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने 89 मीटर का लंबा छक्का लगाकर ओवर में 9 रन बटोरे थे, जिसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर कराने के लिए दोबारा से फिरकी गेंदबाज महेश को बुलाया जाता है, जिन्होंने पहली ही गेंद पर चौका खाया लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए अगले मात्र 4 गेंदों पर 2 रन दिए और ओवर की अंतिम गेंद पर बटलर ने पावर प्ले की समाप्ति भी चौके के साथ की और पावर प्ले में 64 रन बिना विकेट खोकर बनाए थे, जिसके बाद फील्ड खुल जाने के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आते हैं, जहां पर उनको स्विच हिट लगाते हुए छक्के के साथ 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया यशस्वी जायसवाल ने और ओवर में 11 रन बटोर लिए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए महेश को दोबारा से बुलाया गया और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी कर 10 रन दिए और इसी के साथ 8 ओवर में 85 रन बिना विकेट खोकर राजस्थान की टीम ने बना दिए थे और जिस अंदाज से बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि इस मुकाबले में राजस्थान की टीम 200 रन बना लेगी। तो दोस्तों, चेन्नई की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।